इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो समर्थ गुरु कौन है जिन्होंने मेरी कुंडलिनी को जागृत किया, या फिर इनमें कुंडलिनी जागरण करने की जो सामर्थ्या है वो क्या है, और क्यों ये कुंडलिनी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये कुंडलिनी जागरण पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, जो काम जैसे कर रहे हो वैसे ही करना, ऐसा क्यों है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने अगर कुंडलिनी का वीडियो देखा है, कुंडलिनी जागरण का वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने बात की थी कुंडलिनी जागरण एक ऐसा विषय है जो बिना समर्थ गुरु के पूर्ण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि समर्थ गुरु कौन होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो समर्थ गुरु कौन है जिन्होंने मेरी कुंडलिनी को जागृत किया और आज तक मैं उनके अधीन हूँ, और मेरी जो भी कुंडलिनी कार्य कर दिए, जो भी मुझ में परिवर्तन आ रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वजह से आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपकी उनको दिखा रहा हूँ, मेरी साइड में उनकी आप तस्वीर देख सकते हो, लेफ्ट साइड में ये मेरे गुरुदेव हैं जो वाइट वस्त्र में हैं, जो सफ़ेद कपड़ों में हैं, वो श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं, और उनके साथ उनके गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी, हम इन्हें दादा गुरुदेव कहते हैं, बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी कहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अपने गुरुदेव को समर्थ गुरु क्यों कहता हूँ, या फिर इनमें कुंडलिनी जागरण करने की जो सामर्थ्या है वो क्या है, और क्यों ये कुंडलिनी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और ये कुंडलिनी जागरण पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, जो काम जैसे कर रहे हो वैसे ही करना, ऐसा क्यों है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी प्रभाव आपको पड़ेगा वो उसी क्षण शुरू हो जाएगा कार्य, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ध्यान में बैठोगे पहले ही क्षण आपको महसूस हो जाएगा कि आप एक सुरक्षा कवच में हो। ठीक है, तो सबसे पहले गुरुदेव की बात करते हैं कि गुरुदेव की सामर्थ्या क्या है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को दो सिद्धियां हुई उनके जीवन काल में। पहली हुई 1969 में गायत्री की सिद्धि, फिर उनको 1984 में कृष्ण की सिद्धि हुई। ये दो सिद्धियां उनको एक ही जन्म में एक ही शरीर में रहते हुए तपस्या करके हुई। महर्षि अरविंदो ने ऐसा कहा है कि दो सिद्धियां आकाश तत्व की और पृथ्वी तत्व की सिद्धि अगर किसी एक ही साधक में हो जाए तो वो परिवर्तन खुद में तो उसके आता ही है, लेकिन वो परिवर्तन पूरे मानव मात्र में ला सकता है। तो इसी से गुरुदेव की सामर्थ्या है कि उनको मूलाधार यानी कि पृथ्वी तत्व, सहस्रार यानी कि आकाश तत्व, इन दोनों की सिद्धि है। और जो कुंडलिनी की यात्रा शुरू होती है वो मूलाधार से शुरू होती है और सहस्रार तक जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कुंडलिनी जागरण जब होता है कैसे हो सकता है, आप कैसे इसमें आ सकते हो, कैसे गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, और कैसे आप इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ, आपका कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो मैं आपका जवाब दे पाऊँ, और इसलिए आपका मेरे साथ कनेक्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि ये कुंडलिनी जागरण पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसके लिए आपको कहीं किसी को पैसा नहीं देना है। करना क्या है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो श्री गुरुदेव की, इस तस्वीर को आपको इंटरनेट पर सर्च करोगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग, तो आपको तस्वीर मिल जाएगी गुरुदेव की और दादा गुरुदेव यानी कि बाबा गंगाईनाथ जी की, हमारे दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के श्री गुरुदेव। तो इनकी फ़ोटो आप डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के अंत में 4 मिनट का एक वीडियो है, उस वीडियो को जब आप सुन लोगे तो गुरुदेव की आवाज़ में आप एक मंत्र सुनोगे जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। वो संजीवनी मंत्र सुनते ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। एक बात का खास ख्याल रखना, इस मंत्र को गुप्त रखना, इस मंत्र को आप किसी को बोल के नहीं बता सकते, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ गुरु आवाज़ में ही एक्टिवेट होना चाहिए, गुरु आवाज़ से ही ये कार्य करता है। कुंडलिनी जागरण इस मंत्र को सुन के हो जाती है, लेकिन अगर आप सकारात्मक व्यक्ति हो, अगर श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से गुरुदेव के आगे झुकोगे तभी आपकी कुंडलिनी उठेगी, जागृत होकर आपके लिए कार्य करेगी। अगर आप किसी मतलब विशेष के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, या फिर अपने लोभ या लालच के लिए बिना गुरु को समर्पण किए हुए कुंडलिनी जागरण ढूंढ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, कुंडलिनी आपको कभी फ़ायदा नहीं देगी। कुंडलिनी जागरण कल्याण का कार्य है, अपने कल्याण का, अपने मोक्ष का और दुनिया के कल्याण का कार्य है। इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। अब जब आप ये फोटो डाउनलोड करोगे और एंड में वो 4 मिनट का वीडियो देखोगे तो संजीवनी मंत्र सुनोगे, उसी मंत्र को सुनते ही आपकी दीक्षा हो गई, और कुछ नहीं करना है आपको, उस फोटो के सामने बैठ जाना है और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए और 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। इतना ही होने के बाद 15 मिनट जरूर बोलना है आपने, उस 15 मिनट के अंदर आपको क्रियाएँ शुरू होंगी, योग शुरू हो जाएगा, किसी भी तरह का योग हो सकता है, आप नाच सकते हो, गा सकते हो, शीर्षासन लग सकता है, प्राणायाम हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह की क्रिया होगी, शरीर हिलेगा, गर्दन घूमेगी, कुछ भी हो,
घबराना नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है। कुंडलिनी जागृत होके आपके शरीर को स्कैन कर लेती है एक सेकंड के अंदर, और क्या रोग है इसके अंदर और उसे क्या कार्य करना है ससुराल तक पहुंचने के लिए, उस पर काम शुरू करती है। किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट हो, गाना आए, चिल्लाना आए, रोना आए, हंसना आए, दिव्य दर्शन हो, लाइट के दर्शन हो, ये सारे कुंडलिनी के अनुभव हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी अनुभव आपको हो रहा है, या जो भी क्रिया हुई है, या फिर ध्यान लगा है, या कुछ भी हुआ है, वो आप मेरे से बात कर सको और उस चीज़ को समझ सको। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब ये 15 मिनट का आपका ध्यान हो जाएगा, 15 मिनट के बाद कुंडलिनी अपने आप शांत हो जाएगी और क्रियाएँ बंद हो जाएगी, आप नॉर्मल स्टेट में हो जाओगे। ये आपका 15 मिनट का ध्यान होगा, इसे दो बार करना है, सुबह और शाम को। हम रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे ध्यान करते हैं। आप उस ध्यान पे जुड़ सकते हो मेरे साथ, मुझे मैसेज भेजना, मैं आपको उस चैनल से जोड़ दूंगा जहाँ पर हम ध्यान करते हैं। ये चैनल क्योंकि सिर्फ मेरे परिवर्तन का है, मेरे जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसके प्रचार प्रसार की मैं करना चाहता हूँ। लोगों को मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि इस बदलाव से वो कनेक्ट हों, और इस ये बदलाव कैसे आया और उनमें कैसे आ सकता है, फिर मैं उनको अपने गुरुदेव से मिला सकूं, उनके गुरुदेव की इंट्रोडक्शन हो जाए, उनकी कुंडलिनी जागृत हो, उनमें बदलाव हो। इसीलिए तो मेडिटेशन का जो चैनल है वो अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। सुबह शाम मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारे लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं, सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, 1 घंटे की ज्ञान चर्चा भी होती है। और आपको क्या करना है, आपके जो कुंडलिनी जागरण का कार्य है, 2 समय ध्यान करना है, सुबह शाम नियमित समय पर, और आपको जो मंत्र दिया जाएगा उसका आपको जाप करना है, बहुत ज़रूरी है। मंत्र ही मेन है, मंत्र ही गुरुदेव हैं, मंत्र ही कुंडलिनी है, मंत्र ही परिवर्तन है, सब कुछ मंत्र है। उस मंत्र को आपने बिना होंठ और जीभ हिलाए लगातार जाप करना है जितना संभव हो। कोई नियम नहीं है कि सुबह उठ के करना है, नहा धो के करना नहीं, सोते खाते पीते उठते बैठते आते जाते लेटरिन करते बाथरूम करते हर समय आप उसका जाप कर सकते हो। इसका कारण ये है कि जब आप रिग्रस जाप करते हो तो ऐ जपा जाप लग जाता है, यानी कि अपने अंदर जाप चलने लगता है 24 घंटे। बदलाव वहीं से शुरू होता है, ऐ जपा जाप से ही बदलाव आना शुरू होता है। तो आपको रिग्रेस जाप करना है जितने दिन, 15, 20, 25 दिन। अगर कोई गंभीर बीमारी से आप लड़ रहे हो तो ऐ जपा जाप जल्दी लग जाता है, नहीं तो 15, 20, 25 दिन लग जाते हैं वो ऐ जपा जाप लगने के लिए। ऐ जपा जाप क्या होता है उसके लिए भी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि समर्थ गुरु श्री रामलाल जी स्याग, इनकी द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है, निशुल्क होती है, पूर्ण रूप से इनके नियंत्रण में कार्य करती हैं, ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, मोक्ष की जीते जी प्राप्ति होगी, सारे त्रिविध तापों से आपको मुक्ति मिलेगी और किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होगी। और जितने भी प्रश्न आपके होंगे उसके लिए मैं श्री गुरुदेव का शिष्य राजशिव आपके साथ हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। इस कुंडलिनी योग में, इस महायोग में, इस सिद्ध योग में, इस राजयोग में आपका स्वागत है। जय श्री। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, पर मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा, तब फिर संसार। अब ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पर हो रहा है, ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजी नहीं, और आई थी मेरे पास एक तेल अबीब से, उसने कहा आप तो ईशा के अवतार हो, यहां क्यों बैठे हो, समझे ना समझे। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गाय की ध्वनि निकले के पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगाईनाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट का तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा, समझे नहीं समझे। तो आयतु की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनाव नहीं समझता था। मृषि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को
वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान करो भाई, 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान की विधि सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या ना आए उसकी चिंता ना करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता ना करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है, इससे घबराए नहीं, इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ये मातृ शक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है।